हाय, दिस इज मनीष शर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल. सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि निफ्टी बैंक निफ्टी थोड़ा फंसा हुआ एक रेंज में है, और आज अगर आप देखो एक क्लीन एंड क्लियर फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है. ये जो हाई था 11,466, ये हाई क्रॉस कर दिया है निफ्टी ने. अब जो मैंने आपको लास्ट तीन चार वीडियो पहले टारगेट दिए थे 11,600 के, अगर आपको याद है, वो टारगेट वापस वैलिड हो जाते हैं. सो 11,600 पॉसिबल टारगेट होगा निफ्टी के लिए. यहाँ से 100 टू 150 पॉइंट का रैली हमें और देखने को मिल सकता है. अभी आपको व्यू जो होना चाहिए वो बुलिश होना चाहिए, और जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. इंट्राडे में अगर कोई भी डिप आता तो काफ़ी अच्छा बाय रहेगा. 50-60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय करो. ऊपर में 11,600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है. अगर आप निफ्टी देखो अभी भी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ही है, कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन अभी तक बना नहीं है. अगर आप देखो यहाँ पर भी लास्ट तीन चार दिन में ये प्योर साइडवेज पैटर्न था, ये कोई नेगेटिव पैटर्न नहीं था. इसलिए मैंने आपको बार बार बोला था कि रेंज बाउंड लग रहा है, साइडवेज लग रहा है. ये क्लीन एंड क्लियर ब्रेकआउट कैंडल है आज का. तो यहाँ से 11,600 तक के टारगेट्स मुझे यहाँ से लग रहे हैं. तो डेफिनेटली आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए वो बाय एंड डिप्स का होना चाहिए. बैंक निफ्टी पे अगर आप देखो एक अच्छा खासा एक टाइम स्पेंड किया, यहाँ पर एक रेंज बाउंड सेशन हमें देखने को मिला, और उसके बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है. उसके बाद आज का अगर आप कैंडल देखो एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है. अब जो पॉसिबल टारगेट्स आते हैं बैंक निफ्टी में वो आते हैं प्रीवियस स्विंग के टारगेट्स आते हैं. प्रीवियस स्विंग जो हाई था वो था 23,200 के अराउंड. 23,200 तक के टारगेट पॉसिबल है बैंक निफ्टी में. सो अगर इंट्राडे में कोई भी डिप मिलता है काफी अच्छा बाय रहेगा. 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो बैंक निफ्टी. बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी है बैंक निफ्टी में, और 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो 23,200 के टारगेट के लिए. डिस्कस करते हैं स्टॉक्स. मैंने आपको लास्ट वीडियो में जिंदाल सेल सेल दिया था. जिंदाल सेल सेल ट्रिगर नहीं हुआ है. अगर आप देखो आज इसने एक इनसाइड कैंडल बनाया, एक शार्प फॉल था, उसके बाद एक स्मॉल इनसाइड कैंडल बनाया. तो आज के दिन ये लेवल ट्रिगर नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको मार्केट वॉच में रख सकते हो. जो मैंने आपको लेवल दिया है अगर वो कल भी ट्रिगर होता है तो आप इसको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो. जिंदाल सेल का स्ट्रक्चर अभी भी शॉर्ट की तरफ ज्यादा लग रहा है. इंडिया पर हाउसिंग फाइनेंस भी मैंने सेल दिया था, वो भी सेल लेवल ट्रिगर नहीं हुआ. मैंने 200 के नीचे सेल दिया था, 201 का ही लो बनाया है. और मैंने आपको यूबीएल बाय दिया था 1046 के ऊपर. इसमें आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा क्योंकि मैंने 1046 के ऊपर बाय दिया था और ये 1061 तक जाके आया. तो इसमें आपको इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना होगा. अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है. सो सबसे पहला स्टॉक होगा एमएफएसएल. एमएफएसएल अगर आप देखो स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव लग रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रीन कैंडल जो था, जो ब्रेकआउट कैंडल था, उसमें फॉलो थ्रू बाइंग हमें देखने को नहीं मिला है. सो स्ट्रक्चर थोड़ा सा नेगेटिव लग रहा है मुझे. मुझे लगता है यहाँ से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकता है. सो एमएफएसएल काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा इंट्राडे के लिए. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. नेक्स्ट स्टॉक होगा टीवीएस मोटर. टीवीएस मोटर भी अगर आप देखो इवनिंग स्टार पैटर्न इसने बनाया है और टॉप लेवल पे बनाया है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बनाया है. मुझे लगता है इसमें भी एक इंट्राडे में फॉलो में देखने को मिल सकता है. कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा. टीवीएस मोटर भी काफी अच्छा शॉर्ट लग रहा है इंट्राडे के लिए. लास्ट स्टॉक होगा इंफ्राटेल. इंफ्राटेल काफी अच्छा बाय लग रहा है. अगर आप देखो एक शार्प फॉल आया था, उसके बाद प्राइस आप देखो एक कंटिन्यूसली यहाँ पे एक अच्छा खासा बेस बना रहा है. आप 5-6 दिन का कैंडल भी देखो तो लोअर साइड काफी अच्छा एक टेल छोड़ रहा है ये, और काफी अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली है 190 to 200 के लेवल में. अभी अगर 200 का लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तो एक बड़ा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है. सो इंफ्राटेल काफी अच्छा बाय रहेगा. कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा, लेकिन इसका भी स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग लग रहा है बाइंग के लिए. आज के लिए वीडियो में इतना ही. अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना. थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो. सी इन द नेक्स्ट वीडियो.